खबरें सुपरफास्ट की शुरुआत विवादों में घिरे करौली बाबा की खबर से। डॉक्टर से मारपीट के मामले में कल पुलिस ने करौली बाबा से पूछताछ की, बाबा ने भी अपना पक्ष रखा। एफआईआर को लेकर पुलिस ने सवाल जवाब किए, करौली बाबा ने एक बार फिर से सफाई दी। उन्होंने न गाली गलौज की न धक्का मुक्की की। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने उनसे पुलिस की पूछताछ पर बातचीत की। वही पूछताछ फॉरेंसिक, उसका हमने कहा कि आपको जो चाहिए रिकॉर्ड सब दे दिया हमने पूरा। क्या क्या पूछा और पुलिस ने आपसे? यही कि फिर कैसे कैसे क्या, पूरा रिपीट कर दिया वही बात जो थी। आपने बताया डॉक्टर के बारे में जो डिबेट में हुआ था? हाँ सब बताया भाई, उसने वो खुद कह रहे हैं कि नहीं आपने नहीं मारा, आपके लोगों ने मारा। आप बताइए, अभी तो एफआईआर तो मेरे खिलाफ लिखा रखी है, तो गलत है ना। उसने क्या कहा? पीटा तो एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए थी ना, हमारे खिलाफ क्यों है? पुलिस ने फिर क्या कहा? वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। क्या उसके जो डॉक्टर उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि जिस तरह के शब्द यूज? हम डॉक्टर के खिलाफ उसमें नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर ने जो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, भूमाफिया कहा, हम उस पर जाएंगे। सवाल आपसे, आज एक वकील साहब आए, उन्होंने आपको चैलेंज दिया, कह रहे हैं कि वो मेरा ड्राइवर है, उसकी आंख खराब है, आज अर्जी भी लगी है उसकी। बात सुनो, जो चैलेंज वाले यहाँ कभी ठीक नहीं होंगे, यहाँ चैलेंज वाले ठीक नहीं होते हैं। जहाँ आस्था विश्वास श्रद्धा दंडवत वो ठीक होते हैं, यहाँ चैलेंज वाले कोई नहीं, कभी ठीक ही नहीं सकते हैं। एक नहीं हजार वन कर ले। कानपुर वाले करौली बाबा पहले किसान नेता के रूप में जाने जाते थे, अब वो बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने का दावा करते हैं और उनके पास इतनी बड़ी फीस भी लेते हैं और उनकी इसी कमाई की बदौलत उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं। देखिए आज तक संवाददाता सिमर चावला की ये खास रिपोर्ट। जब बाबा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूं उस गैराज में जहां पे बाबा की पर्सनल गाड़ियों का कलेक्शन है। आप देख सकते हैं लग्जरी गाड़ियों से ये पूरा गैराज भरा हुआ है। इसको दिखाना चाहूंगा मैं, डिफेंडर गाड़ी है ये, करीबन 3 करोड़ की कीमत वाली ये गाड़ी है इनकी। इसके पीछे अगर मैं अपने कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए, तो यहां से लेकर लंबी लाइन है उन लग्जरी गाड़ियों की जो बाबा के काफिले में शामिल रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक गाड़ी की कीमत करीबन 30 से 40 लाख के ऊपर है। पीछे तक देखते जाएंगे तो लाइन लगी हुई है उन सभी लग्जरी गाड़ियों की, और ये गाड़ियों का जो काफिला है जब बाबा निकलते हैं तो उनके साथ निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का कलर सफ़ेद है, और जो आपको बता दूं कि परिवार में भी जो उनके जो सदस्य हैं वो भी इस गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखना चाहेंगे पीछे बड़ा लिखा हुआ है कि बाबा करौली सरकार, हर एक गाड़ी में जो बाबा की है, जो खुद उनकी है, भक्तों की नहीं। अब खबर पंजाब के भगौड़े खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह की, वो कहां पर छिपा है, अब तक पुलिस खोजने में लगी हुई है। 8 राज्यों में सघन तलाशी अभियान शुरू हो चुका है, 6 दिन बाद भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। खबर यह है कि अमृतपाल पंजाब से भागने के बाद हरियाणा में जा छिपा था, और उसके बाद वो कहां गया है अभी तक पता नहीं है। उसकी तलाश में कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार एक मददगार को हिरासत में लिया गया है और उसने पुलिस को बताया है कि वो इन दिनों बिना पगड़े के घूम रहा है। अमृतपाल फरार है और उसकी तलाश तेज हो चुकी है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भागता नजर आ रहा है। लगातार सामने आ रही उसकी तस्वीरें अब सबूत बन रही हैं।